नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। क्रिस गेल को हमेशा कंट्रोवर्सी में रहना पसंद है, फिर चाहे वो मैदान पर हो या फिर मैदान के बाहर। हाल ही में क्रिस गेल ने अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिसके बाद वो एक बार फिर से कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए हैं। आपको बता दें कि क्रिस गेल ने अपना नया साल गर्लफ्रेंड नताशा बेरिज और बेटी के साथ सेंट कीट्स आइलैंड में बनाया। यहां पर कार्निवल चल रहा है और इस कार्निवल में सौंदर्य प्रतियोगिता, डांस, परेड, बहुत कुछ होता है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि इस कार्निवल के पारंपरिक वेशभूषा में क्रिस गेल और उनकी गर्लफ्रेंड नजर आ रही हैं। लेकिन इन फोटोज के साथ साथ क्रिस गेल ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसने एक बार फिर से कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि ठीक एक साल पहले क्रिस गेल ने बिग बैश लीग में एक रिपोर्टर से कहा था, डोंट ब्लश बेबी, और इसके ठीक एक साल बाद उन्होंने खुद ट्वीट कर इस कॉन्ट्रोवर्सी को नया नाम दे दिया। उन्होंने एक अश्लील वीडियो शेयर करते हुए लिखा, डोंट ब्लश बेबी। इसके बाद क्रिस गेल फिर से आलोचना का शिकार होने लगे। ये देखकर क्रिस गेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वो अश्लील वीडियो हटा दिया। तो इस तरह से क्रिस गेल एक बार फिर से कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए हैं। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बेहद अश्लील वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था, जिसकी आलोचना होने के बाद उन्होंने डिलीट भी कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और राजनीति की अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।